बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मॉर्निंग शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है फिलहाल तो, क्योंकि कल थोड़ी सी नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल चली गई थी, वहाँ का ब्लॉग नहीं लिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैंने नहीं लिया ब्लॉग। तो कल वहाँ एंड लास्ट आपने देख लिया, वहीं तक था। तो आज बस कपड़े वगैरह वॉश करके आ गई हूँ ऊपर। मासी गई हैं हॉस्पिटल क्योंकि अब वो शायद बेटर हैं पहले से। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने सारे रोज़ेस आ रहे हैं, कितने सारे, सच में दिल खुश हो गया इन्हें देख के। होता है ना फ्लावर्स को देख के, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देख के स्माइल करते हुए, तो कितना अच्छा लगता है, मतलब मॉर्निंग ही मज़ेदार हो जाती है। तो देखेंगे, मासी आ जाएंगे फिर उनसे रिपोर्ट्स लेंगे कि कैसी तबीयत है, क्या है। और मे बी मैं आज ससुराल जाऊँ क्योंकि सासू माँ पापा जी को कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है क्योंकि कल फेस्टिवल था, आप लोग जानते हैं मैं यहीं थी। तो जाने वाली तो थी, मतलब दोपहर बाद में जाने वाली थी, मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर वहाँ वो आती हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आए कि उनकी हालत ख़राब है, उनका बीपी काफ़ी बढ़ गया था, 200 प्लस हो गया था। तो इसलिए मैं फिर वहाँ नहीं गई थी। मैं नाइट तक, मतलब करीब 8 बजे घर आई हूँ, मतलब लास्ट आपने जहाँ ब्लॉग देखा उसके 10-15 मिनट बाद मैं फ़ौरन निकल गई थी। हम लोग तो खुशी थे, हमने सोचा काफ़ी अच्छा हो गए हैं नाना जी तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोई टेंशन नहीं ले रहे थे, हम लोग आराम से इंजॉय करने लगे थे कि काफ़ी बेटर है। पर बीपी बढ़ गया था, पर डॉक्टर्स ने मतलब वो बार बार बढ़ रहा था, थोड़ा सा कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, ऐसा हो रहा था और 200 प्लस ही जा रहा था। तो टेंशन वाली बात हो गई थी क्योंकि जिस दिन नाना जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, उस दिन भी अराउंड 245 था, इतना था बीपी। तो इसलिए हम लोग घबरा रहे थे काफ़ी। तो मैं काफ़ी लेट नाइट आई थी घर पे, फिर ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। पर कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर कि, और प्रे भी कीजिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और देखते हैं अगर मेरे ससुर जी आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो मैं जाऊँगी ससुराल और फिर वहाँ से दिखाऊँगी आपको। मासी को आज आने दो हॉस्पिटल से, मे भी आएँ या नहीं आएँगी, अगर शाम तक आएँगी तो भी आपको सब कुछ पता चलेगा कि वो कैसे हैं। मुझे भी कुछ अभी खबर नहीं है, मैंने कोई कॉल वगैरह भी नहीं करी थी, तो इसलिए चलिए अब चलते हैं, हम नीचे चलते हैं। मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना, वही सब डालने आई थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ भागते भागते ना सभी के कपड़े हो जा रहे थे। तो और फिर वो लोग काम वाम कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, मेरी भी थोड़ी डाउन हो गई थी कल परसों, इसलिए तो फिर मैंने सोचा चलो आज जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि अगर कहीं जाना पड़ा तो टेंशन ना हो। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और खाने की करते हैं तैयारी क्योंकि आज है ट्यूसडे, पापा जी का है फास्ट, तो हमेशा की तरह बनाएंगे तहेरी। तो हे गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे और हमें बना रही हूँ फिलहाल तहेरी, जैसे कि आपको बताया था अभी शॉप उक के फ्री हुई है तड़का वड़का लगा के। तो बस अब देखते हैं 10 मिनट बाद क्या प्रोग्रेस रहेगी इसकी, तो देख रहे हैं आप कितनी बड़ी हांडी धनिया भी कट कर दी है, मेहमान लोग बहुत ज़्यादा ही हैं। और हम लोग ने कल होली थी तो कल भी पनीर वनीर वो कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ खाई, परसों भी खाई, तो आज सबको हल्का खाने का मन था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी यही बना लेते हैं और ये बनाते हैं, फिर देखते हैं खाएंगे पियेंगे और थोड़ा रेस्ट वीक लूँगी मैं क्योंकि हम काफ़ी थक चुके हैं इसलिए। तो चलिए ये बन जाती है, फिर दिखाती हूँ आपको। Hey guys, तो सहरी हो गई है, बन के रहेगी, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिलहाल सबसे पहले पैक करूँगा हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल में ना 3 लोग हैं अभी वहाँ पर, उन लोगों के लिए रख देती हूँ। हाँ चटनी भी रखी जाएगी, साथ में रखेंगे हम चटनी हरी वाली। रखेंगे इसमें चटनी का है तो दही वहां दे दो,
अभी कहाँ है इंजन? पेट्रोलियम कर आपसे यहाँ पर बच्चों की लग चुकी है पंगत। और ये रहा तक्षु। अरे ये आगे मेरी थाली, क्योंकि मैं थोड़ा ही खाऊंगी। अभी पापा जी का कॉल आया तो उन्होंने कहा है कि घर आने के लिए, तो मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ यहाँ से, शायद 10 मिनट में जल्दी जल्दी खा के, क्योंकि वहाँ भी जाना है इसलिए। तो चलिए अब मिलेंगे डायरेक्ट आपसे ससुराल में। गाइस तो मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल। सूरत की बहुत याद आ रही है। और यहाँ पर बनाए हैं, देखो दिखाती हूँ, दही बड़े जो कि अभी पानी में ही भिगोए हैं, और साथ में बनाई हैं कचौड़ियाँ। बस इसलिए मुझे ससुराल बुलाया जा रहा था ताकि मैं ये सब खा सकूँ। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मम्मी कह रही हूँ चाय बना लो, उसके बाद ही खाएंगे। तो चलिए। हे गाइस तो आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और देखिए कैसी हालत हो रखी है। वो मैं ना सुखा रही थी रजाई को, वो भी ऐसी रख गई थी। और तक्ष की हालत आज चाची ने कैसी, तक्षु ये देखिए अभी ना सब कलर वगैरह लगा दिया था, मैं वॉश करके आ रही हूँ। तक्ष इधर देखो, तक्ष इधर देखो बेटा, तक्ष तक्षु इधर देखो बेटा, इधर देखो। तो इतना कलर लगा दिया, वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने तुरंत देख लिया, मैंने उसे वॉश कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है ना वो जो ये नहीं बेटा गिर गई थी, ये गिर गई, जो पक्का कलर होता है ना वो धुलता नहीं है, साफ नहीं होता इसलिए। चलो मैं कैसे करती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, कजाई वगैरह रख देती हूँ बेड के अंदर, यही निपटा लेती हूँ जब यहाँ आई हूँ। तो उसके बाद और देखती हूँ किस टाइम तक निकलती हूँ, क्योंकि जाना ज़रूरी है, क्यों मम्मी पापा भी जाएंगे शाम को पापा के घर पे। लोग आए, हमारी होली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हम लोग अभी भी कलर खेल रहे हैं, सफाई करते करते थक गई थी। चलो घूमने बन चुके हैं दही वाले, और बस अब हम इसे खाएंगे और चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि मैं आ गई हूँ नीचे, बैग वैग भी ले आई हूँ अपना, क्योंकि 4 बज चुके हैं, 4 बज गए हैं, घड़ी ऊपर है। चलिए टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्टी है। मम्मी ना थोड़ा तीखा वाला बनाती हूँ, मतलब मिर्ची वगैरह डालती हूँ, खैर अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, फिर निकलती हूँ घर की तरफ। अब डायरेक्ट मिलूँगी आपसे अपने घर। हे गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद ये देख तक्ष सो चुके हैं, इधर बच्चे बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं, और यहाँ बनना है खाना। तो खाने में लाल गोभी और इसमें साग बनना है, यूँ रहा। और फिर बाकी लोग गए हैं हॉस्पिटल, अभी मम्मी पापा आए थे, आई मीन मेरी सासू माँ ससुर जी, तो वो लोग भी हॉस्पिटल निकल गए हैं। अब वो देख के बताएंगे, क्योंकि अभी कॉल आया था कि नाना की हालत सीरियस हो गई है। खाना वाना तो बन ही रहा था, भाभी बना रही थी, लेकिन तक्ष सो गए हैं और घर पर कोई नहीं है फिलहाल, मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं भाभी हैं, तो मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगी। और कॉल करते रहेंगे, पता करेंगे हम कैसा है, मतलब हम लोग ना थोड़ा सा भी अगर अच्छा सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, और तभी अचानक से कॉल आ जाता है। काफ़ी सीरियस बता रहे हैं, डॉक्टर से बात की है, चल रही है, मतलब वहाँ पर जो भी होगा पता चलेगा, आपको ही आएगा तभी। तो चलिए बने रहिएगा, अभी मेरा फिलहाल ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा है, अभी क्या बता सकती हूँ आपको, कुछ भी नहीं बता सकती। तो चलिए जब कोई आ जाएगा ना, फिर हम उनसे पता करके फिर आपको बताते हैं।